आज पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग अपनी बुलेट को डालेंगे पानी के अंदर। देख रहे हो बहंगा, पूरा पानी में गाड़ी को डाल दिया। तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं दिन के तीन बजने वाले हैं, बस मतलब 3 बजे के लगभग समझ लो। और फिलहाल मम्मी अभी रेडी हो गई है कीर्तन में जाने के लिए, क्योंकि यार नवरात्रि चल रही है आजकल। तो मम्मी रेडी हो कीर्तन में? मम्मी फिलहाल जाएगी कीर्तन में और हम लोग जा रहे हैं अभी अपने काम से। कितने बजे आएगा तू फिर मुझे? शाम को कितने बता दूंगा। अरे कितने बजे? मैं बता दूंगा, फोन करके बता दूंगा। चाबी ले जा रही हूँ ना, ले आओ चाबी। तो फिलहाल अभी हम लोग तो जा रहे हैं पारस की दुकान में और आई थिंक हम लोग वहाँ से कहीं जाएंगे घूमने के लिए, कह रहा था। आओ फिर आओ। तो फिलहाल मैं तो रेडी हो गया, मम्मी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी को भी छोड़ दूंगा मैं रास्ते में। मैं क्या करूँ, जाऊँ? जा। तो मम्मी मुझसे कह रही कि तू जा, मैं आंटी के साथ आ जाऊंगी। ओ माय गॉड, धूप इतनी तेज धूप खुली है कि आंखें भी निकल पा रही मेरी। और यार आप लोगों से ना एक चीज शेयर करनी थी कि हमारे चैनल में 200 से भी ज्यादा व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं यार। मतलब पता भी नहीं लगा 200 से भी ज्यादा व्लॉग्स कर दिए। मैंने तो भयंकर 10 भी नहीं सोचे थे यार एक टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था। अब 200 कंप्लीट कर लिए हैं, पर 200 लायक यार अभी तक का वो ग्रोथ नहीं हुई है चैनल की। मतलब 200 व्लॉग भले मैंने कंप्लीट कर लिए ना, पर 200 लायक ग्रोथ जो चैनल की होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं है आज चैनल की। पर कोई बात नहीं यार, हम लोग मेहनत करते रहेंगे ऐसी जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि यार मुझे पता है सक्सेस तो एक दिन मिलनी है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो पहले फ्यूल फिलअप कराते हैं इसमें, 100 का कर देना। फिलहाल अभी ट्रैफिक में फंस चुके हैं, वो भी बहुत गंदा वाला। 60 सेकंड दिखा रहा है, 60 सेकंड तक रुकना पड़ेगा अभी। और ट्रैफिक देख लो यार भाई, पता नहीं दिख रहा होगा दिख रहा होगा इसमें, ट्रैफिक बहुत हो रहा है। चलो फिलहाल ट्रैफिक खुल चुका है। पारस की दुकान में जा रहे थे, पारस हमको यहीं पर ही मिल गया। पारस भाई ही मिल गया मुझे, इसकी दुकान में आ रहे थे हम लोग, सामने दुकान है पारस भाई। हमने कहा इस बार दुकान पे नहीं आने देंगे, आज कुछ नया करेंगे। चले तू चला रहा। सुबह फिलहाल मैं और पारस तो अभी जा रहे हैं रॉक ऑन कैफे की तरफ को, क्योंकि ये भी फ्री था मैं भी फ्री था। मैंने इसको बोला अच्छा चलने थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। अभी मेरा और पारस का प्लान चेंज हो चुका है, क्योंकि इस गर्मी की वजह से ना हमारे प्लान चेंज होते रह रहे हैं। पहले हम रॉक ऑन जाने की सोचे थे, अब इतनी गर्मी हो रही है तो हम सोच रहे हैं सीधा नहाने चलो अमृतपुर। अमृतपुर आप लोगों ने साहिल जोशी के व्लॉग में देखा होगा, वो एक बार अमृतपुर गया नहीं था नहाने के लिए, तो हम लोग भी वहीं पर ही जा रहे हैं, उसी लोकेशन में ही आएंगे। देखना यहाँ की रोड की हालत अभी बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिज बन रहा है ना एक नया, दो ब्रिज बन रहे हैं पूरे मतलब काठगोदाम में ना, दो ब्रिज बन रहे हैं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है और धूल मिट्टी भी बहुत हो रही है। सो यार पारस ले रहा है अभी यहाँ से पानी की बॉटल, क्योंकि अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं ना, तो नहाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो इसको मैंने बोला कि ज़रा पानी की बॉटल लेके आ जा। यार ये बिल्डिंग्स भी कैसी बन गई ना एकदम खंडर जैसी यार, यहाँ लोग रहा करते थे एक टाइम पे। ठंडी है ना पारस? ये चीज़ सही नहीं, मतलब उत्तराखंड में अगर गर्मी लगे तो भयंकर सही है, भयंकर नदी बहती है, चल दो सीधे थोड़ा मतलब 100 रुपये का पेट्रोल डालो चल दो नहाने सीधे यार, वो भी एकदम नेचुरल पानी में, ना कि क्लोरीन वाला पानी में। उत्तराखंड की यही चीज़ निराली है एकदम, कि तुम्हें गर्मियों का सीन मतलब सेट है एकदम, ठंडों में भी सही है यहाँ, गर्मियों में भी सही है, सबसे बढ़िया जगह है भयंकर। बहुत भीड़ हो रही होगी? हाँ अभी बहुत भीड़ हो रही होगी, अभी भीड़ देखना भयंकर, जितनी ज़्यादा धूप होती है उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, जितनी ज़्यादा धूप उतनी ज़्यादा भीड़। पर बस ये है कि यार हम दो जने आए हैं, अगर थोड़े ज़्यादा लोग होते और मज़ा आता ना। हम तो हमारा प्लान प्लान अचानक बन गया, अभी जाते आते आते तो बन गया प्लान। कच्चे अच्छे सब आ रहे हैं नहाने में, कच्चे अच्छे रहेंगे। हम तो कच्चा भी लाए, उसी कच्चे को सुखाना पड़ेगा, पत्थर में ऐसे लेटना पड़ेगा ऐसे कच्चा सुखा के। पानी देख कैसा खतरनाक आ रहा है एकदम तगड़ा। जिस किसी ने भी ना सौरभ जोशी का व्लॉग देखा ना, सौरभ जोशी के व्लॉग में उसने एक रील बनाई है ना अपनी फॉर्च्यूनर में, वो यहाँ पे बनाई थी। अभी देख ना पारस मेरे इसमें गोप्रो लगा है ना, तो भयंकर लौंडे ऐसे देखेंगे कि कौन ब्लॉगर आ गया। वो देखो रे आगे देख, लौंडे भयंकर पूरी गाड़ी घुसेड़ दे रहे। हम भी घुसेड़ेंगे गाड़ी भाई अपनी, हमारी गाड़ी भी ऑफ रोडिंग वाली है। वो गाड़ी डाली कैसे वहाँ? तो यार अभी हम लोग ना गाड़ी को अंदर डालने का सोच रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से डालें गाड़ी को नीचे। अरे भाई सुनो, ये गाड़ी नीचे कैसे डलेगी? गाड़ी नीचे कैसे डाल दी उन लोगों ने? उन्होंने गाड़ी अंदर कैसे डाल दी? वहाँ पे गाड़ी खड़ी जो रोड से ले आना, वहाँ पे पुल पे पुल से ले आना, यहाँ से डाली, यहाँ से यहाँ से डाली क्या? वो ही अरे भाई मैं भी ग्रुप में हूँ। अच्छा अच्छा मैं भी ग्रुप में हूँ व्हाट्सएप वाले। अरे अच्छा अच्छा उस दिन मिले थे क्या? नहीं मिले नहीं, मीटअप आपने रखा था, आ ही नहीं पाया था मतलब। अरे अच्छा
अरे मुझे ये बताओ ना कि यार गाड़ी कैसे डालूं नीचे। सुनो बाइक बाइक यहाँ से जाती थी ना आगे, फिर आगे इन्होंने पत्थर लगा दिया लग रहा है। पहले पत्थर नहीं, यार गाड़ी के निशान तो दिख रहे हैं, यहीं से डाली होगी पारस यार, निशान तो दिख रहे हैं। कार तो लेके गए? कार नहीं, वो बाइक दिख रही है, बाइक हीरो होंडा है ना। उतर तो पारस, अरे डल जाएगी यार, तू उतर तो सही। अरे हम पानी में डालेंगे, ले पारस वीडियो बना दो। फिलहाल यहाँ से डालनी पड़ेगी गाड़ी। पारस को मैंने फोन पकड़ने के लिए दे दिया। आ जाओ भाई, आज ऑफ रोडिंग होगी तगड़ी वाली। पारस को भी मैं यहाँ पे नहीं बैठा रहा हूँ, क्योंकि यार खाली गिर गुरा के यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी वरना। हम लोग तो भाई सीधी पूरी अंदर ही डालेंगे गाड़ी। आज पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग अपनी बुलेट को डालेंगे पानी के अंदर। अब यहाँ से कहाँ से डाली होगी इन लोगों ने पानी के अंदर। पारस तो तू उतर जा फिर, यहाँ पे आना, यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो बहन का पूरा पानी में गाड़ी को डाल दिया। ओ भाई भाई पानी तो बहुत ज़ोर है यहाँ पे, यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी को। तो फिलहाल यार गाड़ी को मैंने यहाँ तो डाल लिया था, पर इधर साइड पे बहुत ज़्यादा पानी था, तो मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर रखा। मतलब ये फर्स्ट टाइम है अपनी गाड़ी को मैं इतने ज़्यादा हैवी पानी में लाया हूँ। एक काम करना, यहीं पे ही नहा रहे थे, यहाँ पे नहा लेते, बता सबसे बढ़िया है। पहले तो हम लोग यहाँ नहाने की सोच रहे थे, पर अब पारस को दुकान से कॉल आ गया, उसकी भी दुकान है ना, तो अब फिलहाल हमको जाना पड़ रहा है यार। यार पारस देख यार कितना अच्छा पानी आ रहा, नहा नहीं पाया यार इस पानी में, देख कितना बढ़िया पानी आ रहा। चेंज हो गया वापस माइंड तो फिलहाल हमारा वापस से माइंड चेंज हो चुका है। मैंने उसको दिखाया ना, देख पानी कितना तगड़ा आ रहा है, नहाते काश हम यहाँ भी। तो बोला नहाते, फिर नहाते क्या रहा, चलो जल्दी से कपड़े उतारते, जल्दी से नहाते हैं यार। चार्ज भी खत्म हो गया, आवाज़ थोड़ी बेकार आ रही होगी, पर ये गोप्रो भी इसके अंदर बंद है ना, तो इसलिए इसकी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी। पारा चल चल ले। सर फिलहाल अभी हम लोग ने यहाँ पे नहा तो लिया है, और जैसा कि आप लोग ने देखा ना, हमने गोप्रो के इतने ज़्यादा शॉट दिखाए। हाँ बस आवाज़ थोड़ी बेकार आ रही थी ना, तो इसलिए मैंने पूरा डाला नहीं, मतलब बोलने वाला, पर यार वीडियो की क्वालिटी आपने देखा है बहुत तगड़ी आ रही थी। चले फिर भाई, मजा आ गया नहा के। और अभी होंठ में वैसलीन भी लगा ली, होंठ हम दोनों के फट चुके थे इसके, दिखा दो होंठ। ये मेरा गोप्रो टाइट कर रहा है, मेरा गोप्रो तेरा गोप्रो? हाँ इसका गोप्रो है, मैंने जरा उधार लिया था ना कुछ दिनों के लिए इससे। निकाल सीधे निकाल, रुक रुक मैं उतर रहा हूँ, अब यहाँ से ऊपर को जा। तो क्या सर, अभी फिलहाल घर पे आ चुका हूँ, मम्मी कुछ खाना बना दिया, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। छोले बने हैं और खा रहा तो खा ले, दे दो छोले दे दो। सर फिलहाल थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ आराम से, क्योंकि मैं सुबह से मतलब ब्लॉग करने में और इधर उधर जाने में, वहाँ जाके मतलब स्विमिंग करी ना, तो हाथ पैर में थोड़ा दर्द होने लग गया, तो थोड़ा आराम करता हूँ मैं। तो फिलहाल अभी मैं जस्ट ऐसे ही बैठा था, तो मैं इंस्टाग्राम में लाइव आ रखा हूँ, और यहाँ पे मेरे साथ दो लोग जुड़े पड़े हैं। यार कैसे हो सब? बढ़िया। सर अभी फिलहाल ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, अभी मैंने यहाँ पे पानी रखा था ना, तो यार पानी ना इसमें गिर चुका है वाईफाई के बॉक्स में, और यह वाईफाई चल नहीं रहा है। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है, क्योंकि अगर वाईफाई नहीं चला मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी कल सुबह, और कल सुबह मैंने टाइमिंग रख रखी 8 बजे की। सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे होंठ फट रहे हैं यार, किसी को कुछ पता हो ना होंठ के बारे में बताना यार, बहुत ज़्यादा ऊपर से ना इधर साइड से फट रहे हैं बहुत ज़्यादा होंठ मेरे। तो फिलहाल मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।